प्रताड़नाको शिकार बनेकी एउटा महिलाले आत्महत्या गरेपछि एकजना तृणमूल नेता परे पक्राउ। घटना हो सिलिगुडी नजिकै फाँसी देवा लिम्बुटारी बस्तीको। स्थानीय निवासी रश्मिता लकडा तिर्की नामक एकजना महिलाले आत्महत्या गरेको घटनामाथि तिनकी बहिनीले फाँसी देवा थानामा एउटा अभियोग दर्ता गरेपछि सोही अभियोगको आधारमा स्थानीय टिएमसी नेता निर्मल गोपलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। अभियुक्त निर्मल गोपका दाजु रविन गोप अनि पूर्व महिला तृणमूल सभापति भारती सिंहद्वारा गत 20 अगस्तको दिन डाकिएको एउटा गाउँले सभामा रश्मिता लकडा तिर्कीलाई हुतिहारी भन्दै विष खाएर मर्नु भनी अपमानजनक व्यवहार गरेपछि रश्मिकाले घर बाहिरै विष पिएका थिइन्। अस्पतालमा उपचाराधीन रहेकी रश्मिकाको शुक्रबार निधन भएपछि रश्मिकाकी बहिनी सविता तिर्कीले तत्कालीन निर्मल गोप विरुद्ध फाँसीदेवा थानामा एउटा अभियोग दर्ता गरिन्। यसैको आधारमा निर्मल गोपलाई पुलिसले पक्राउ गरेको डीएसपी रुरल अचिन्त गुप्ताले जानकारी दिएका छन्। मिटिङ हुआ था रोबिन गुप्ता घर में, वो लोग सिक्रेट मिटिङ बुलाया था, अपना घर में बुलाया था, इधर हिन्या बात होने में सबको, उसका घर में बुलाया था मीटिंग। उसके बाद उसको क्या बोला क्या नहीं हम लोग को तो उतना पता नहीं है। फिर वो लोग पता नहीं क्या क्या सिग्नेचर करवाया, रोबिन गोप, निर्मल गोप और भारती, ये फांसी द्वार की ज्योति नगर की है। वो लोग खराब खराब भाषा से उसको गाली दिया, गंदा गंदा बोला। उसके बाद में उसको क्या सिग्नेचर करवाया वहाँ पर, वो अकेली थी। मीटिंग कोई सीक्रेट बुलाता है? रूम में किसी का मीटिंग होता है? नहीं होता है। मीटिंग होता है मैदान में, तो मैदान में बुलाने काम था उसको। इधर का उसका गार्जियन लोग नहीं है, घर में आदमी नहीं है, किसी को नहीं बुलाया, उसको अकेले बुलाया वहाँ पर। वहाँ पर बुला के उसको मीटिंग में क्या क्या बोला, खराब खराब भाषा बोला। उसके बाद उसको इतना टॉर्चर किया वो लोग कि वो आके दवा खा ली। किसलिए मीटिंग बुलाया था वो लोग? किसलिए मीटिंग बुलाया था? अब रोबिन गोप जानेगा, निर्मल गोप जानेगा और वो भारती जानेगी, तीन जन वो लोग जानेगा। तो मीटिंग बुलाया तो कोई अपना घर में मीटिंग बुलाता है? सीक्रेट मीटिंग होता है किसी का? इसका भी तो अपना फैमिली है ना। वो तो काम कर रहा था, वो जहाँ भी काम करने जाती थी सब समय ये वहाँ पर टांग अड़ाता था ये निर्मल गोप। अभी उसका जान ले लिया, वो उसका परिवार है, उसका बच्चा है, स्कूल पढ़ता है बच्चा लोग, वो लोग को लिए खर्चा नहीं चाहिए? वो खर्चा देता, वो खर्चा नहीं दे रहा था, इसलिए वो काम जाती थी, इधर उधर जाती थी, तो वो क्या हक जताने आता था यहाँ पर? जब खर्चा देने तुम नहीं सकेगा तो हक क्या जताने आ रहा था तुम? इस बारे में थाना में तो एफआईआर किया हुआ है, लेकिन तब भी उसको छोड़ दिया पुलिस ने? तब भी उसको छोड़ दिया? हम लोग को तो पता नहीं है क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, वो तो हम लोग नहीं जानेंगे। जब घूम रहा है रास्ता में तब हम लोग देख रहे हैं वो घूम रहा है रास्ता में। उसको फांसी का सजा दो और जितना लोग मीटिंग में था सबको अरेस्ट करो और वो लोग को भी सारा जीवन भर का सजा दो, जीवन सजा दो वो लोग को भी। ये लोग सीक्रेट मीटिंग क्यों बुलाएगा? उसका फैमिली में मेंबर नहीं है? और वो लोग क्या का सिग्नेचर ऐसे करवाया उसको? और जो वो दवा दिया था खाने का वो भी निर्मल गोप ही दिया था उसको। वो जो पेशेंट थी जो अभी मर गई वो खुद बताई है, वही दिया था दवा बोल के। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम लोग मांग कर रहे हैं ये निर्मल गोप को फांसी का सजा दो और वो दोनों को अरेस्ट करो, वो लोग का सारा जीवन सजा होना चाहिए। और उसका जितना क्या क्या है ये दो बच्चा का नाम में, उसका नाम में लिखने पड़ेगा उसको, जितना संपत्ति है, बहुत संपत्ति हो गया उसका, उसको सबको लिखने पड़ेगा यहाँ पर। रश्मिता लकड़ा। मॉम, माँ या अम्मा, ये शब्द सुनने में कितना छोटा लगता है, पर एक औरत ही समझ सकती है कि उनकी जिंदगी में इस शब्द का क्या महत्व है। हर कपल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, पर कभी कभी उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। पर जहाँ बाधाएं हैं वहाँ उनका सोल्यूशन भी है। तो इसी सोल्यूशन के साथ मैं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, आपकी फर्टिलिटी कंसल्टेंट, हमेशा आपके साथ हूँ। तो लेट अस ऑल फाइट इनफर्टिलिटी टुगेदर, बिकॉज एवरी वुमन डिजर्व्स टू बी अ मदर। थैंक यू।